हेलो एवरीवन। श्योर, पीजीपीपी के एक दो क्वेश्चन हम आज और डिस्कस करेंगे। सर मैं मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 11 पे आओगे, जरा क्या कहता है जरा देखना। उसने कहा है, मिस्टर एक्स फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रेलेवेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। आपको एक पीएल बना के दे रखा है, ऑफिस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी परचेज एट 15% पर एनम फॉर 6 मंथ्स, सैलरी टू स्टाफ, बोनस टू स्टाफ, कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूजीएफ मतलब अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, लिखना चाहो तो कहीं लिख लेना, जीएसटी पेड, प्रोविजन फॉर जीएसटी, कैलकटा यूनिवर्सिटी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, कॉपीराइट्स परचेस्ड, नेट प्रॉफिट, बाय साइड पे जीपी, सन्ड्री रिसिप्ट, बैड डेट्स रिकवर्ड, नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन अर्लियर, कस्टम ड्यूटीज रिकवर्ड, अर्लियर अलाउड एज अ डिडक्शन, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फादर, डिविडेंड्स फ्रॉम यूटीआई, इंटरेस्ट ऑन एफडी विद बैंक, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर इंफॉर्मेशन As shown in profit and loss account, ₹7,200 is paid to Calcutta University for the purpose of carrying out scientific research in natural sciences not related to the business of Mr. X. Provision for GST represents an outstanding tax liability. Copyrights were purchased on 6 July 19. Ascertain the total income of Mr. X for assessment year 2021, assuming that he has deposited ₹10,000 in PPF account during the year 1920. Second last line पढ़ो, क्या बनाना है आपको? Ascertain total income, मतलब gross total income नहीं, total income निकालनी है। कैसे निकालते हो? Gross total income minus deductions under chapter 6 से, और ये आ जाती है आपकी total income। चलो बनाते हैं statement. Statement showing टोटल इनकम। अच्छा, टोटल इनकम निकालने से पहले ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी? पांचों हेड्स को एड अप करके। पहला हेड सैलरी है नहीं, दूसरा हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक काम करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बाय साइड देखो, बाय साइड, और नोटिस करो आपको कोई रेंट नजर आता है? मेरे ख्याल से ना कोई रेंट नहीं है। इसका मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का केस भी नहीं है, तो सीधे आ जाते हैं पीजीबीपी पे। तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। चलो वर्किंग नोट बना लो, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन लिखो। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,14,400 एड और लेस। चलो अच्छा, अब मेरी बात जरा सुनना सब ध्यान से, आ जाओ डेबिट साइड से आ जाओ। पहले सबसे पहले ऑफिस एक्सपेंसेस नीचे पढ़ो, कोई एडजस्टमेंट ऑफिस एक्सपेंसेस की नहीं, तो सीधी सीधी बात है ऑफिस एक्सपेंसेस बिजनेस का खर्चा है, इसका डिडक्शन मिलना चाहिए भी था और आपने डिडक्शन ले भी रखा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सन्ड्री एक्सपेंसेस बिजनेस का खर्चा है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस बिजनेस का खर्चा है, ऑडिट फीस कुछ नहीं लिखा हुआ है बिजनेस का खर्चा है, लीगल चार्जेस बिजनेस का खर्चा है। अगला ध्यान से सुननी मेरी बात, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड एट 15% पर एनम फॉर 6 मंथ्स। मेरी बात ध्यान से सुनना सब, पता है मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, मेरी बात सुनना। उसने कहा हमने ना एक प्लांट और मशीनरी खरीदी है जिसपे हमने इस साल ₹300 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। पहले मैं आपसे ना एक बात जानना चाहता हूं कि ये इस प्लांट और मशीनरी पे आपने डेप 6 मंथ्स का ही क्यों चार्ज किया? क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से ना
ये प्लांटर मशीनरी आपने 1 अक्टूबर 2019 को खरीदी होगी, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च हो गया ना 6 मंथ्स, इसीलिए आपने इस प्लांट और मशीनरी पे 6 मंथ्स का क्या लगाया है, डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपने ये प्लांट और मशीनरी 1 अक्टूबर को परचेज करी होगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे ये निकालना है प्लांट और मशीनरी कितने रुपए की परचेज करी होगी। 300 रुपए तो उसका डेप्रिसिएशन है, मुझे जानना है प्लांट और मशीनरी खरीदी कितने की होगी। देखो मैं निकाल के बताता हूं, वर्किंग नोट बनाओ। अच्छा, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हो? प्लांट और मशीनरी की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू 6/12, है ना। अच्छा बताओ, 300 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया, कॉस्ट आपको निकालनी है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15% फॉर 6 मंथ्स। तो अगर मैं उस प्लांट और मशीनरी की कॉस्ट निकालू, तो कॉस्ट आती है, करो, फोर थाउजेंड कॉस्ट आ रही है। तो इसका मतलब आपने जो ये प्लांट और मशीनरी खरीदी होगी ना, ये 4,000 रुपए की खरीदी होगी। कब? 1 अक्टूबर 2019 को, इसीलिए आपने 6 मंथ्स का डेप निकाल लगाया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे, सर इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ तो मुझे इसमें ना एक नजर आ रही है, और गड़बड़ मुझे पता है क्या नजर आ रही है, उन्होंने 1 अक्टूबर को खरीदी है प्लांट और मशीनरी और उस पे 6 मंथ्स का डेप लगाया है। लेकिन हमारे टैक्स में डेप ऐसे थोड़ी ना लगता है, हमारे टैक्स में तो डेप 180 डेज से कम के लिए यूज हुई है तो 50% लगता है आधा, और अगर 180 डेज से ज्यादा के लिए यूज हुई है तो पूरा लगता है 100%, है ना, ऐसा कुछ सिस्टम था। तो एक बार बताओ, 1 अक्टूबर को खरीदी, जरा करके बताओ कितने डेज के लिए यूज हुई? अक्टूबर के 31, नवंबर दिसंबर जैन 2020 का केस है, फेब 29 मार्च 31, 183 डेज के लिए यूज हुई है। अब मुझे एक बार बताओ, अपने टैक्स के हिसाब से बताना, ये ट्रीटमेंट जो उन्होंने किया है, ये अकाउंट्स के हिसाब से सही होगा। लेकिन मैं अगर टैक्स के हिसाब से बोलूं, डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स, टैक्स के हिसाब से तो मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है। याद करो मैंने क्या बताया था, सेक्शन 32 में मैंने कहा था डेप्रिसिएशन या तो लगता है आधा या लगता है पूरा, मतलब या तो लगता है 6 मंथ्स का या लगता है पूरे साल का। 3 शर्तें थी, पहली शर्त परचेज कब करियो, इस साल, इसी साल खरीदी है। दूसरी, पुट टू यूज भी कब करियो, इसी साल, मान के चल रहे हैं, इंस्टॉल भी कब करिए, इसी साल, और यूज हुई हो 180 दिनों से कम के लिए, ये तो 180 दिनों से ज्यादा के लिए यूज हुई है, 183 डेज के लिए, तो इस पे डेप 6 मंथ्स का कैसे लग जाएगा भैया, इस पे तो डेप पूरे साल का आएगा। तो मुझे बताओ कितना डेप आएगा, 4,000 रुपए की प्लांट और मशीनरी पे 15% पूरे साल का, यानी बताओ कितना डेप आएगा, 600 रुपए का डेप आएगा इस पे। तो ये बताओ जरा, पीएल में कितना डेप माइनस होना चाहिए था, 600, आपने पीएल में माइनस करा कितना, 300। अच्छा अब मुझे ना एक बात और बताओ, चलो मैं ध्यान से सुनना, मुझे बताओ ये जो 300 का डेप आपने पीएल में डेबिट किया है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये एज पर अकाउंट्स है ना, आप कौन सा डेप माइनस करोगे, एज पर टैक्स। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एज पर अकाउंट्स वाला एड बैक कर देता हूं 300, और एज पर टैक्स वाला माइनस कर देता हूं 600। ये लो सही हो गया, ठीक है। अगला, सैलरी टू स्टाफ, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डिडक्शन मिल जाएगा आपको। बोनस टू स्टाफ 4,000, याद आता है बोनस से, सेक्शन 36 कहता था बोनस और कमीशन अगर आप इंप्लॉइज को देते हो तो उसका डिडक्शन आपको मिलेगा, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43B।
और 43B कहता था कि बोनस का डिडक्शन सिर्फ तभी मिलेगा जब आपने उसे पे करा हो। इस साल पे नहीं करा तो कोई बात नहीं, इस साल की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से पहले पहले पे कर दो। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मान के चल रहा हूं कि ये पे हो चुका है, और क्योंकि पे हो चुका है तो इसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, रीजन साथ साथ लिखते रहना, कल को भूल जाओगे। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स आरपीएफ रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, सेम केस, सेक्शन 36 याद करो। सेक्शन 36 कहता था अगर आपने कुछ पैसा, एम्प्लॉयर ने अगर अपनी जेब से कुछ पैसा एम्प्लॉय के रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जमा करवाया, सुपर एनुएशन फंड में जमा करवाया, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में जमा कराया, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में जमा कराया, तो उसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिलेगा, बट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43B मिलेगा, यानी पेमेंट बेसिस पे। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये 5,000 आप पे कर चुके हो, और क्योंकि पे हो चुका है तो इसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अगला है कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड। एक बात याद रखना, एम्प्लॉयर को ग्रेचुटी फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलता है, लेकिन सिर्फ अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलता है, उसे अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन नहीं मिलता है। तो इसे आप एड बैक कर दोगे, कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड कितना, 4,000। फिर जीएसटी पेड, ठीक है, याद करो जरा जीएसटी के लिए मैंने क्या बताया था। फिर से सेक्शन 43B याद करो, मैंने कहा था एनी टाइप ऑफ टैक्स, ड्यूटी, सेस और फीस, और उसमें मैंने बताया था इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी। मेरी एक बात सुनो, क्या जीएसटी का डिडक्शन आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। लिखा हुआ है जीएसटी पेड, मतलब पे हो गया, और क्योंकि पे हो गया तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। अगला पढ़ना प्रोविजन फॉर जीएसटी, और नीचे पढ़ना सेकंड पॉइंट क्या का है, प्रोविजन फॉर जीएसटी रिप्रेजेंट्स एन आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी। मुझे एक बताओ, जीएसटी के प्रोविजन का डिडक्शन मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। सेक्शन 43B साफ साफ कहता है कि अगर आपने जीएसटी पे करा है तो आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो प्रोविजन फॉर जीएसटी को एड बैक कर दो, रीजंस मैं दोबारा बोल रहा हूं, लिखते रहना 15,000। फिर अगला कैलकटा यूनिवर्सिटी फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अच्छा, अब अगर आपको सेक्शन 35 जो हमने साइंटिफिक रिसर्च पे किया था वो याद हो, तो उसमें क्या था, आप दो बातें थी, या तो आप साइंटिफिक रिसर्च खुद कर रहे हो या आप साइंटिफिक रिसर्च बाहर पैसा देके करवा रहे हो। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च खुद कर रहे हो ना, तो उसमें कंडीशन थी कि दैट साइंटिफिक रिसर्च मस्ट बी रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द असेसी। लेकिन अगर आप बाहर पैसा देके साइंटिफिक रिसर्च करवा रहे हो, किसी आउटसाइड एजेंसी को पैसा देके साइंटिफिक रिसर्च करा रहे हो, तो फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। अब मुझे ये बताओ, यहां पर आपने कैलकटा यूनिवर्सिटी को पैसा देके साइंटिफिक रिसर्च कराई है, इसका मतलब पेमेंट इज मेड टू एन आउटसाइड एजेंसी। नीचे फर्स्ट पॉइंट पढ़ना, एज शोन इन पीएल ₹7,200 is paid to Calcutta University for the purpose of carrying out scientific research approved in natural sciences not related to the business of Mr. X. कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे देता है कि भाई ये साइंटिफिक रिसर्च तो बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है, और जब बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो पीजीपीपी में डिडक्शन कैसे मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, सेक्शन 35 साफ कहता है अगर आप बाहर पैसा देके साइंटिफिक रिसर्च करवा रहे हो, तो फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। कितना याद करो, कितना, मैंने कहा था इसमें दो डिडक्शन है, 100% का और 150% का। तो अगर आप एक बार सेक्शन 35 एक बार ओपन करके देखोगे ना, तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को पेमेंट करके साइंटिफिक रिसर्च करवाते हो, तो 150% का डिडक्शन मिलता है आपको। मतलब अगर मैंने 7,200 की पेमेंट करी है ना, तो डिडक्शन उसका 150% मिलेगा, मतलब ₹10,800 का डिडक्शन मिलेगा। ₹7,200 का डिडक्शन तो ऑलरेडी ले चुका हूं,
और कितना डिडक्शन लूं, 3600 रुपए का डिडक्शन और लूंगा, तो यहां लिखना डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 और कितनी, 3600 रुपए की डिडक्शन और लूंगा। फिर अगला कॉपीराइट्स परचेज, ये भी सुननी है मेरी बात, देखो ना एक बात का जवाब दो, कॉपीराइट आपने खरीदे, कॉपीराइट एक इनटेंजिबल असेट है ना, कॉपीराइट इज एन इनटेंजिबल असेट, असेट है मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्या आप पीएल में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, सिंपल दिमाग लगाना, क्या आप पीएल में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स शो करते हो या नहीं? पीएल में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स नहीं आते हैं, असेट्स को कभी पीएल में दिखाते हो? असेट्स तो कहां जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे ना। हाँ, उन असेट्स का पीएल में क्या आता है, डेब आता है। अब यहां पर मेरे को बताओ जरा फिर से, आपने गलती क्या करी, आपने कॉपीराइट परचेस्ड को पीएल में कर दिया डेबिट, जबकि कॉपीराइट डेबिट नहीं होने चाहिए थे, कॉपीराइट का डेप्रिसिएशन पीएल में क्या होना चाहिए था, डेबिट। तो मैं कॉपीराइट को तो ऐड बैक कर दूंगा 35,000 रुपए, और उसका डेप्रिसिएशन मैं माइनस कर दूंगा, निकाले एक बार डेप्रिसिएशन, याद करो इंटेंजिबल असेट्स पे सेक्शन 32 कहता है 25% का डेप्रिसिएशन है इंटेंजिबल असेट्स पे, तो लगाओ 35,000 के कॉपीराइट पे 25% इनटू, लास्ट लाइन पढ़ना थर्ड पॉइंट, कब खरीदे, 6 जुलाई 19 को, मतलब 180 दिनों से ज्यादा के लिए यूज हुए, तो पूरा 100% डेप लगेगा पूरे साल का, 8750 का डेप पूरे साल का 8750। चलो डेबिट साइड मेरी कंप्लीट हो गई, अब आ जाते हैं क्रेडिट साइड पे, सन्ड्री रिसिप्ट्स, ठीक है, बिजनेस इनकम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला बैड डेट्स रिकवर्ड 5000 नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन अर्लियर। अब ये मेरी ना एक छोटी सी बात फिर से सुनो, इंपॉर्टेंट बात है, सुनो मुझे एक बार बताओ, मैं आपसे एक बार पूछूंगा, हमें बैड डेट रिकवर हुए, एक बार बताओ बैड डेट रिकवर तो बाद में हुए होंगे ना, पहले तो बैड डेट हुए होंगे है ना, तो पता है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हमें ना पहले कभी बैड डेट हुए थे, सपोज चलो मान लेते हैं पिछले साल 18-19 में हमें क्या हुए थे, बैड डेट कितने रुपए के, 5,000 रुपए के हमें क्या हुए थे, बैड डेट। और इस साल 19-20 में वो बैड डेट क्या हो गए, रिकवर हो गए 5000, है ना, अकाउंट्स के हिसाब से तो यही होता है। अब ब्रैकेट में जो लाइन पढ़ी लिखी हुई है ना वो पढ़नी है आपने, नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन अर्लियर, मतलब जब ये बैड डेट हुए थे ना तो गवर्नमेंट ने मुझे इन बैड डेट्स का डिडक्शन देने से मना कर दिया था, मतलब गवर्नमेंट ने यह कहा था कि आप बैड डेट्स को एक्सपेंस ट्रीट नहीं कर सकते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं मानते एक्सपेंस, नहीं लेते डिडक्शन। अब क्या हुआ, अब मुझे बैड डेट्स हुए रिकवर, गवर्नमेंट इस बैड डेट रिकवर को मान रही है मेरी इनकम। आप मुझे बताओ, आप अगर मेरी जगह होते तो आप गवर्नमेंट से क्या कहते, आप गवर्नमेंट से ये कहते कि भैया जब बैड डेट हुए थे तब आपने बैड डेट को एक्सपेंस नहीं माना था, तो जब बैड डेट रिकवर हो रहे हैं तो फिर आप उसे इनकम भी नहीं मान सकते। भाई देखो, एक कॉइन की दो साइड्स होती हैं। अब मेरे को एक बार बताओ, अगर बैड डेट को एक्सपेंस माना है तो बैड डेट रिकवर्ड को इनकम भी मानोगे, अगर बैड डेट को एक्सपेंस ही नहीं माना तो बैड डेट रिकवर्ड को इनकम मानने का तो मतलब ही नहीं होता ना। लेकिन मेरे को एक बार बताओ, इस प्रॉफिट पे अराइव करते समय आपने बैड डेट रिकवर्ड को इनकम माना हुआ है, यानी बैड डेट क्या, बैड डेट रिकवर्ड क्या कर रखे है, ऐड कर रखे है, तो अब क्या करूं, माइनस कर दूं बैड डेट रिकवर्ड 5000। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद
कस्टम ड्यूटीज रिकवर्ड 10,000 ब्रैकेट में लिखा हुआ है अर्लियर अलाउड एज अ डिडक्शन। चलो अब तो आप मेरे को अपने आप बता सकते हो, मुझे बताओ कस्टम ड्यूटी रिकवर तो बाद में होगी ना, पहले तो कस्टम ड्यूटी क्या करी होगी, पे करी होगी। तो उसने कहा जब आपने कस्टम ड्यूटी पे करी थी तो गवर्नमेंट ने आपको उस कस्टम ड्यूटी का डिडक्शन दिया था, मतलब गवर्नमेंट ने उस कस्टम ड्यूटी को आपका एक्सपेंस माना था। अब उसमें से कुछ कस्टम ड्यूटी का रिफंड आ गया आपके पास, तो क्या उसे इनकम मानना सही है या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि पहले एक्सपेंस मानना था तो अब क्या माना जाएगा, इनकम भी माना जाएगा, और मान भी रखा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फादर। अब ये मेरी बात जरा थोड़ी सी सुनोगे सब, मैं यहां पर लिख रहा हूं लेस, कुछ और बातें यहां पर सुना। हमें ना फादर से गिफ्ट मिला, याद रखना अगर आपको गिफ्ट मिलता है ना गिफ्ट, तो उसे भी इनकम माना जाता है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इनकम। लेकिन सैलरी की इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी की नहीं है, बिजनेस और प्रोफेशन की नहीं है, कैपिटल गेन्स की नहीं है, इसलिए वो इनकम कौन से हेड में आती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो याद रखना गिफ्ट फ्रॉम फादर इज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब कौन से हेड का पार्ट है, अदर सोर्सेज हेड का पार्ट है। मैं कौन से हेड की इनकम निकाल रहा हूं, मैं पीजीबीपी की इनकम निकाल रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, इन प्रॉफिट्स पे अराइव करते समय आपने गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फादर को क्या कर रखा है, एड, तो अब क्या कर दूं, माइनस। समझो पहले माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि गिफ्ट फ्रॉम फादर इस हेड का पार्ट ही नहीं है, वो अदर सोर्सेज हेड का पार्ट है, वहां जाएगा। फिर डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, सेम चीज, यूटीआई से, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से डिविडेंड मिला है, डिविडेंड इनकम है, लेकिन पीजीबीपी की इनकम नहीं है, अदर सोर्सेज हेड की इनकम है, कहां पर जाएगी, अदर सोर्सेज हेड में, ऐड कर दो डिविडेंड, कितना, 4,000 रुपए, माइनस कर दो। अच्छा, इंटरेस्ट मिला एफडी पे और गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे 5,000 रुपए का मिला के, फिर से बताओ इंटरेस्ट कौन से हेड का पार्ट है, अदर सोर्सेज हेड का पार्ट है, मैं कौन से हेड की इनकम निकाल रहा हूं, पीजीपीपी हेड की इनकम निकाल रहा हूं, क्या कर दूं, माइनस 5,000, एक साथ ही कर रहा हूं, लो हो गया सारा ट्रीटमेंट। चलो ये आपकी पीजीबीपी की इनकम आ गई 321750। कैपिटल गेन्स की इनकम कोई है नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कौन कौन सी थी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, गिफ्ट फ्रॉम फादर, शायद आपको याद आएगा रेजिडेंशियल स्टेटस में मैंने आपको बताया था, अगर आपको फादर से कोई गिफ्ट मिलता है ना, जितने मर्जी रुपए का, वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट होता है, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता है। और क्या था अदर सोर्सेज हेड का पार्ट, डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, सब आगे पढ़ाऊंगा, डिविडेंड इनकम भी एग्जेम्प्ट होती है, डिविडेंड की इनकम एग्जेम्प्ट होती है शेयर होल्डर्स के हैंड में, कुछ बातें हैं वो बाद में करेंगे। अच्छा, और इंटरेस्ट मिला था एफडी पे कितने का, 2,000 का टैक्सेबल है, और इंटरेस्ट आपको मिला था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे 3,000 रुपए का, टैक्सेबल है। तो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 326750 जीटीआई। अब बताओ इसमें से क्या माइनस करोगे, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, और आपको याद होगा सैलरी चैप्टर मैंने आपको प्रोविडेंट फंड कराए थे, उसमें एक प्रोविडेंट फंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड करवाया था। लास्ट पढ़ना, अज्यूमिंग दैट ही हैज डिपॉजिटेड 10,000 इन पीपीएफ अकाउंट, अगर आप कुछ पैसा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा करवाते हो ना, उसका डिडक्शन आपको 80C में मिलता है, ये भी करवाऊंगा आपको आगे, वैसे बता चुका हूं मैं, एक बार रेफर कर लेना प्रोविडेंट फंड का जो मैंने पूरा चार्ट बनवाया था आपको, तो 316750, बस ये आपकी क्या आ गई टोटल इनकम। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, वो हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। थैंक यू।